नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन। आप देख रहे हैं SGS एजुकेशन चैनल। दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल में कोई भी चीज़, मान लीजिए फोटो, वीडियो, म्यूज़िक आदि को आप हाइड रखना चाहते हैं, सीक्रेट रखना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि उनको कोई देख ले, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? उनको हाइड रखने के लिए या तो आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे जिसके ज़रिए आप उनको हाइड रख सकें। लेकिन दोस्तों, आज मैं जो आपको बताऊंगा एकदम इजी तरीका है। इसमें आपको कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है और ना ही इसमें आपको कोई इंटरनेट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको हाइड करना बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे आप सब्सक्राइब बटन देख रहे होंगे, उस पर आप टैप कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मैं आगे भी ऐसे नए वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। तो रेगुलर अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप हाइड कैसे करेंगे। तो जैसे मैं अभी गैलरी में जाता हूँ और अभी यहाँ पर मेरे फोटोज़ पड़े हुए हैं, जैसे मैं भी इन वॉलपेपर को हाइड करना चाहता हूँ। तो आप इनकी लोकेशन देखिए कि ये कहाँ पे पड़े हुए हैं। तो जैसे डाउनलोड का ये फोल्डर बना हुआ है और ये डाउनलोड के फोल्डर में पड़े हुए हैं। तो अभी हमको क्या करना है, फाइल मैनेजर में हमको जाना है। तो यहाँ पर माई फाइल्स में हमने क्लिक कर दिया है, उसके बाद ये ड्राइव स्टोरेज में पड़े हुए हैं। तो आप भी देखिए कि वो कहाँ पे हैं, लोकेशन आप देखिए कि वो कहाँ पे पड़े हुए हैं। आपके जो भी पिक्चर, वीडियोस आदि हैं वो कहाँ पे पड़े हुए हैं, लोकेशन देखिए, उसके बाद आपको वहाँ पे जाना है। तो जैसे यहाँ पर डाउनलोड में पड़े हुए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर पड़े हुए हैं वॉलपेपर। तो अभी मैं इनको हाइड करता हूँ। तो हाइड करने के लिए आपको दोस्तों फोल्डर की ज़रूरत होगी, तो आपको पूरा फोल्डर हाइड करना होगा। जैसे अगर आप पूरा फोल्डर हाइड नहीं कर सकते हैं, तो आपको जैसे ये फोटो, इन फोटो को आपको हाइड करना है, जैसे एक दो फोटो आप सेलेक्ट कर लीजिए, इनको अगर आपको हाइड करना है तो आप इनका भी फोल्डर बनाइए। क्योंकि दोस्तों हम इसमें कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करें, इसलिए हमको कोई फोल्डर बनाना पड़ेगा इसमें, जिससे कि हम उनको आसानी से हाइड कर सकें। तो अभी तो मैं इनको सभी को हाइड करना चाहता हूँ। तो आप जो भी फोल्डर है उस पर आप क्लिक कीजिए, उसके बाद आप उनका रीनेम कीजिए। जैसे इनका नाम है, फोल्डर का नाम चेंज कीजिए, तो रीनेम पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप फोल्डर का नाम बदलना चाहते हैं तो भी बदल सकते हैं। अगर आप सेम वैसे रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप वैसे रखिए। आपको बस स्टार्टिंग में आपको सिर्फ डॉट लगा देना है, आपको खाली डॉट लगा देना है, ठीक है। जैसे अभी मेरे यहाँ पर हो गया है डॉट डाउनलोड। मान लीजिए आपका किसी भी नाम से फोल्डर है, आपको बस उस फोल्डर के आगे डॉट लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डॉट लगा दिया, उसके बाद आपको रीनेम पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं जो फोल्डर था वो यहाँ से हाइड हो चुका है। और मैं आपको बता देता हूँ कि उस गैलरी में भी आप देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। तो गैलरी में हम वापस आ गए और यहाँ पर देखिए दोस्तों, अभी आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर जो फोटोज़ थे वो नहीं दिखेंगे, वॉलपेपर डाउनलोड नाम का जो फोल्डर था वो आप यहाँ पे नहीं देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वो वापस लाने, तो वापस लाने के लिए आपको फिर से वहीं पे जाना होगा। यहाँ पर देखिए, हम फाइल मैनेजर में फिर से आ गए हैं। आपको क्या करना है, आपको एक ऑप्शन दे रखा होगा मोबाइल में, शो हेड इन फाइल्स का। तो हेड इन फाइल है, आप उस पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते होंगे डॉट डाउनलोड का जो फोल्डर देख रहे हैं आप, इस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं। अगर आपको गैलरी में वापस दिखा नहीं, तो आप इस फोल्डर का नाम चेंज कर दीजिए, रीनेम में आप जाइए और आगे से डॉट को हटा दीजिए। तो इससे आप क्या होगा, वो फोल्डर आपको वापस दिखने लग जाएंगे। तो जैसे हम यहाँ पर वापस आ गए और देखिएगा, हम एक बार इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के लिए हम वापस इसमें आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ही डाउनलोड का जो था वो वापस आ गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर तो मैंने सिर्फ फोटोज़ को ही हाइड किए हैं, आप चाहे तो वीडियोज़ भी हाइड कर सकते हैं, सॉन्ग्स, फाइल, अदर आप जो भी हो उनको आप हाइड कर सकते हैं। बिल्कुल इजी तरीका है, इसमें आपको सिर्फ डॉट लगाना है, ना कि आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ना ही आपको इंटरनेट की ज़रूरत होगी, कुछ नहीं है, सिंपल सा काम है, आपको सिर्फ फाइलों को हाइड रखना है। दोस्तों, ये था आपके लिए एक हाइड करने के लिए, सीक्रेट रखने के लिए वीडियोज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम फिर मिलेंगे ऐसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद करते हैं।